किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में मोदी सरकार ने किसानों के लिए नई पहल की शुरुआत की है। जी हाँ, इस साल के बजट में मोदी सरकार ने किसान रेल सेवा की शुरुआत करने का ऐलान किया था। अब 7 अगस्त को रेल मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा इसका शुभारंभ कर दिया गया है। 11 बजे पहली किसान रेल को महाराष्ट्र के नासिक से बिहार के लिए रवाना कर दिया गया। ये किसान रेल हफ्ते में एक बार चलेगी। इस ट्रेन में फलों और सब्जियों जैसे इस तरह के आइटम्स की ढुलाई की जाएगी जो जल्दी खराब हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि इस ट्रेन की खासियत क्या है और इसे चलाने का उद्देश्य क्या है। किसान रेल में रेफ्रिजरेटेड कोच लगे होंगे। इसे रेलवे ने 17 टन की क्षमता के साथ नए डिजाइन के रूप में निर्मित करवाया है। इसे रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में बनाया गया है। इस ट्रेन में कंटेनर फ्रीज की तरह होंगे, मतलब ये एक चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज होगा। इसमें किसान खराब होने वाली सब्जी, फल, फिश, मीट, मिल्क आदि रख सकेंगे। ये किसान रेल हफ्ते में एक बार चलाई जाएगी। रेलवे के इस प्रयास को सरकार के उस लक्ष्य के साथ जोड़कर देखा जा सकता है जिसके तहत कहा गया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। इससे सब्जियों, फलों, मांस, मछली और दूध जैसे जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों को इनके पैदावार वाले इलाकों से उन इलाकों तक पहुंचाया जाएगा जहां इनका अच्छा बाजार है। मतलब किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी और उनका नुकसान भी नहीं होगा। दरअसल केंद्र सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य तय कर चुकी है। इसी कड़ी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में बजट भाषण के दौरान ऐलान किया था कि किसान फल सब्जी देश के उन शहरों में बेच सकते हैं जहां उन्हें इसकी अच्छी कीमत मिलेगी और इसके लिए किसान रेल चलाई जाएगी। मोदी सरकार के इस ऐलान का शुभारंभ अब हो गया है।